हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सॉक्स से रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। 7 टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत ही कमाल का है। घर और किचन को आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं इस टिप्स से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। घर में सॉक्स तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनके छोटे छोटे सॉक्स बहुत हो जाते हैं, या फिर एक पैर के फट गए हों या फिर एक पैर के गुम हो गए हो, तो ऐसे सॉक्स कई सारे हो जाते हैं। अगर आप फेंकने की सोच रहे हैं तो फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपके पास जितना भी सॉक्स है उसको अच्छे से आप धो लीजिए, और धोने के बाद इसे किस तरह से यूज करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो पहला टिप्स है छाता को लेकर। छाता तो हम सभी घरों में रखते ही है, ज्यादातर इसका यूज गर्मी में या फिर बारिश में करते हैं। ज्यादातर तो बारिश में ही यूज होती है, बाकी के पूरे साल ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अगर हम इसे संभाल के ना रखें, अगर कवर ना लगाए, तो फिर ये हालत हो जाती है। धूल मिट्टी बहुत ज्यादा इस पर आ जाती है। कई बार तो गीले छाते को अगर इस तरह से लपेट के रख दिए हो तो फिर फफूंद भी जाते हैं। तो आप क्या करें, अगर बारिश में आप यूज करते हैं तो अच्छे से छाता को पहले सूखने दें और उसके बाद लपेट के और फिर इस तरह से सॉक्स में रख दीजिए। फिर धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी, जब भी यूज करना हो वापस से निकाल लीजिए, एक जगह रख दीजिए कहीं पर, यह सुरक्षित रहेगी, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। अगला टिप्स है क्रॉकरी सेट बर्तन को लेकर और कांच के बर्तन को लेकर। इन दोनों बर्तनों को हमें बहुत ही संभाल के रखना होता है। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ हम गेस्ट के आने पर ही यूज करते हैं, या फिर कांच के ग्लास हो तो ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसे यूज नहीं करते हैं अगर आप, तो उसे संभाल कर कैसे रखेंगे? तो आप उसके लिए सॉक्स का यूज कर सकते हैं। कोई सा भी आप सॉक्स ले सकते हैं, जैसे ऐसे बड़ा वाला हो तो वो भी ले लीजिए, या फिर जो गर्म सॉक्स होती है तो ये भी आप ले सकते हैं। गर्म सॉक्स ज़्यादा बेहतर रहती है क्योंकि ये थोड़े से मोटे होते हैं, तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो इसमें ठोकर भी अगर लग जाती है तो ये टूटेगी नहीं, सुरक्षित रहेगी। और ऐसे इधर उधर रखा रहता है, जरा सी ठोकर लगी तो फिर ग्लास टूट जाती है। तो अगर ऐसे गर्मी वाले सॉक्स हैं, बड़े सॉक्स हैं, तो उसको बीच से कट कर लीजिए और फिर इसको आप रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा सॉक्स होता है उसको अंदर फिक्स कर दीजिए, और अब इसे आप किसी भी जैसे सूज वाले बॉक्स होते हैं उसमें रख सकते हैं, तो ये सुरक्षित रहेगी, ख़राब भी नहीं होगी। अगला टिप्स है, बच्चे कई बार किसी को हाथ में बैंड पहने हुए देखते हैं तो वो जिद करते हैं कि हमें भी पहनना है, और हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि महंगे महंगे आते हैं और बच्चे तो बस उस वक्त जिद करते हैं, और ख़रीद के अगर दे दे तो एक दो दिन पहनते हैं फिर फेंक देते हैं, तो वो पैसा बर्बाद हो जाती है। तो कभी भी ऐसा हो कि बच्चे ज़्यादा जिद करें तो आप कोई भी पुराने सॉक्स को ले सकते हैं, कलरफुल हो तो भी चलेगा या फिर इस तरह के प्लेन हो तो उसके रबर को कट कर दीजिए, और कट करने के बाद जिधर से आपने कट किया है उसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और सिलाई मशीन से इसको सिलाई कर सकते हैं, और फिर दे दीजिए उनको पहनने के लिए। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अगला टिप्स है ब्लेंडर को लेकर। ब्लेंडर तो हम सभी अपने घर में रखते ही हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होती है। ज़्यादातर तो लस्सी जब बनाते हैं तभी यूज़ करते हैं, बाकी के ऐसे ही रखा रहता है। पर किचन में रखते हैं तो जो किचन में मसाले हम छौंकते हैं तो उसकी जो अधुआँ होती है उससे चिपचिपाहट इस पर बैठ जाती है। तो आप इसमें अगर कवर लगा के रखते हैं तो ये गंदा नहीं होगा, और फिर जब आपको यूज़ करना हो तो आप इसमें से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोई भी एक साफ़ सॉक्स ले लीजिए और इस तरह से इसको पहना दीजिए। तो जिधर ब्लेड लगी होती है उधर से मत रखिएगा, आप जिधर हम पकड़ के ब्लेंडर को यूज़ करते हैं ना उधर से लगाइएगा, जिससे कि निकालने में और लगाने में आपको ये दिक्कत ना हो, क्योंकि ब्लेड लगी रहती है तो उसको अगर पहले आप पहनाएंगे उस तरफ से तो ये फंस जाएगी और फट भी सकती है सॉक्स। तो इस तरह से आप चाहे तो रबर बैंड लगा के इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टिप्स है चूड़ी को लेकर। चूड़ी हो या फिर बैंगल्स हो, हम लेडीज़ को रखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, हम इस तरह से लेकर रखते हैं, पर इसको सुरक्षित रखना, सही तरीके से रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं बैंगल्स या फिर चूड़ी, और जो बैंगल्स में नग लगे रहते हैं वो तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और अगर एक भी नग निकल गया तो फिर वो बेकार हो जाती है। घर में तो हम पहन सकते हैं लेकिन किसी फंक्शन में पहन के नहीं जा सकते हैं, तो इसको किस तरह से सुरक्षित रखें? अगर आपके पास बैंगल्स रखने वाले बॉक्स हो तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस तरह के डब्बों में भी रख सकते हैं, पर अगर ऐसे डब्बे भी नहीं हैं तो आप सॉक्स में रख सकते हैं, इसमें बहुत ही सुरक्षित रहती है और एक भी नग इधर से उधर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और कांच की चूड़ी रखते हैं तो वो टूटेगी भी नहीं। तो इस तरह के छोटे छोटे सॉक्स ले लीजिए, बच्चों के सॉक्स हो या फिर जो सर्दी के सॉक्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं तो वो आप ले सकते हैं, और इस तरह से जितना भी आपको रखना है चूड़ी या बैंगल्स आप रख के और इस तरह से बना के रख लीजिए। जब भी खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ऐसे ही हमें बना के देते हैं, तो आप इसको ऐसे रखेंगे कहीं पर भी
तो ना चूड़ी टूटेगी ना ही बैंगल से नग या मोती निकलेंगे। तो बहुत ही अच्छा टिप्स है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला टिप्स है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कम से कम लगेज लेकर चले, लेकिन शूज या सैंडल हमें अलग रखना ही पड़ता है क्योंकि कपड़ों के बीच में इसे रखना अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है कि आप ले लें सॉक्स, धुला हुआ सॉक्स होना चाहिए, चाहे नया हो या फिर पुराना हो आप ले सकते हैं। और इस तरह से आप शूज या फिर सैंडल आप रख सकते हैं और फिर इसको कपड़े के बीच में आप रख लीजिए, तो कपड़े गंदे भी नहीं होंगे और ये बुरा भी नहीं लगेगा देखने में। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई बार इस तरह के फ्लावर्स जो हैं घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, फ्लावर पॉट टूट गया तो फिर ये ऐसे ही बेकार इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इसको आप वापस से किसी भी चीज़ में लगा के और अपने घर को या किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लास्टिक की बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं, पानी की बॉटल ले लीजिए या फिर सरसों तेल की जो बॉटल आती है उसे भी आप ले सकते हैं। तो 1 लीटर वाली या फिर 2 लीटर वाली ले सकते हैं। तो मैं इसे नीचे से कट कर ली हूँ, लेंथ आप देख लीजिए कि कितना रखना है और उसके हिसाब से आप चाकू गर्म करके या फिर कैंची से इस तरह से कट कर सकते हैं। तो मैं चाकू से कट तो कर ली हूँ लेकिन ये बराबर नहीं था तो मैं इसको कैंची से बराबर कर दी हूँ। और इस तरह से जब आप रखते हैं तो ये है कि ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये एक जगह टिक भी नहीं रहा है। तो आप सॉक्स ले लीजिए, अगर आपके पास सॉक्स है कलरफुल वाली तब तो और अच्छा है, प्रिंटेड हो कलरफुल वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप कोई भी ले लीजिए फिर भी अच्छा ही लगेगा और ये एक जगह टिकी भी रहेगी। तो इस तरह से आप लगा लीजिए सॉक्स को और जो नीचे से एक्स्ट्रा बच गया है उसको आप कट कर सकते हैं। तो इसमें फ्लावर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो सारे सॉक्स को ऊपर आप लेकर आइए और फिर इसको अंदर सेट कर दीजिए जो भी एक्स्ट्रा सॉक्स है और फिर अब फ्लावर्स को इसमें लगा दीजिए। अब इसको टेबल पर या फिर कहीं पर भी आप रखते हैं, किचन में भी कहीं एक जगह रैक पे रख देते हैं तो किचन भी खूबसूरत लगेगी और इस तरह से आप फ्लावर्स को यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा से। सॉक्स लगाने के बाद दिखता भी नहीं है कि ये बॉटल है इसके अंदर प्लास्टिक वाली। तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।